हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थीं। ओके वीवर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है, जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। ओके वीवर्स, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब कभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी या फिर आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके वीवर्स, आप चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान के बारे में आप देख सकते हैं इस रीडिंग को सोचकर, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या फील कर रहे थे और किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके वीवर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स, द स्टार एंड द मून। और साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके वीवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके वीवर्स, सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्सन की जल्दबाज नेचर की वजह से इस पर्सन ने आपको अपने से दूर किया है, ये बात नज़र आ रही है। पर आपको अपने से दूर करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है हमारे पास, और यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड भी है, और ये तीनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है, और मूव ऑन करने के बाद इस पर्सन के दिल में आपके लिए और भी ज़्यादा प्यार भरी फीलिंग्स उमड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को अपने डिसीज़न पर पछतावा हो रहा है। ये पर्सन पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर, आपसे दूरी बनाकर, और ये दूरियां इस पर्सन को रास नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपके साथ में जो भी फाइट्स कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। इस पर्सन का दिल नहीं लगता आपके बिना, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स ही इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आने वाली हैं, ऐसा भी लग रहा है। ये पर्सन बहुत जल्द अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। इस पर्सन ने आपके साथ में कुछ भी अगर गलत व्यवहार किया है तो ये शर्मिंदा है अपने उस व्यवहार पर, इसलिए इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ा कोई एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से ये पर्सन खुद ही दुखी हो गए हैं। आपके साथ में गलत नहीं किया, बल्कि इस पर्सन ने अपने साथ ही गलत किया है, ऐसा इस पर्सन को थोड़ी देर पहले फील हो रहा था। इसी के बारे में ये थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये अपने आप ही सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को अकेले डील कर सकते हैं, चाहे आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हों या फिर इस पर्सन के जीवन की प्रॉब्लम्स हों। ये पर्सन किसी का सहयोग नहीं चाहते थे, आपका साथ नहीं चाहते थे, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया। हो सकता है आपने इस पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश की हो, और यही वो वजह बनी है कि ये पर्सन नाराज़ हो गए हैं आपसे, ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सन खुद को ना ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काबिल हैं, ये पर्सन हर सिचुएशन में ख़ुद को ढाल सकते हैं और हर सिचुएशन से ख़ुद को निकालने की काबिलियत रखते हैं। तो ये पर्सन अकेले ही सब कुछ मैनेज करने के बारे में सोच रहे थे, और आप इस पर्सन की हेल्प चाहते थे, आप इस पर्सन की हेल्प करना चाहते थे एक्चुअली, पर इस पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं ली और आपसे नाराज़ हो गए, आपसे मूव ऑन कर गए, ऐसा लग रहा है। इस पर्सन ने सही डायरेक्शन देखा जाए तो अब पहचानी है, इस पर्सन को अब समझ में आया है कि एक और एक 11 होते हैं। अगर आपका साथ इस पर्सन को मिलता तो ये पर्सन और भी ज़्यादा जीवन में कुछ बड़ा कर पाते। आपके सहयोग से इस पर्सन को हिम्मत मिल रही थी, पर ये पर्सन उस वक्त जान नहीं पाए थे। धीरे धीरे अब इस पर्सन की समझ में आ रही है ये चीज़, क्योंकि एंजल्स इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंट्यूशंस इस पर्सन को मिल रही हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि
अब जाकर के इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, इसीलिए ये पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्द आपसे अपने किए की माफ़ी मांग लें, या फिर अगर माफ़ी नहीं भी मांगते हैं ना तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये पर्सन अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्यार भरा अप्रोच इस पर्सन की तरफ से आपको नज़र आएगा। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और अपने इमोशंस जो इस पर्सन के दिल में ही छुपे हुए थे उनको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द स्टार के कार्ड के साथ साथ ना हमारे पास द मून का कार्ड आया है। और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि एंजल्स इस पर्सन को आपकी तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर्सन को जो इंट्यूशंस मिल रही हैं, जो इस पर्सन को ख्याल बार बार आ रहे हैं वो आपकी तरफ आने के लिए आ रहे हैं। तो इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे बात करें, आपके बिना ये पर्सन खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इस पर्सन का मन नहीं लग रहा आपके बिना, तो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ नज़र भी आ रहा है। इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं, कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रांग फील कर रहे हैं तो कभी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। इस पर्सन को आपसे दूर जाकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये पर्सन आपके बिना काफ़ी तन्हा और अकेले हैं और एकांत में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में जो थॉट्स आ रहे हैं बार बार, तो ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना, और हो सकता है बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन 8 तारीख या फिर 9 तारीख को आपसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए 8 से 9 दिन के अंदर अंदर ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो 8 से 9 घंटे के अंदर ही कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बेचैनी सी, एक बेताबी सी इस पर्सन में नज़र आ रही है, एक तड़प नज़र आ रही है इस पर्सन में। आपसे दूरी इस पर्सन को सही नहीं जा रही, इसलिए पर्सन काफ़ी इमोशनल है, और इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रही है, जहाँ पर इस पर्सन का खुद का बस नहीं चल रहा। अपने बढ़ते कदमों को ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएंगे। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी उतावले हैं, क्योंकि यहाँ द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग को बताता है ये कार्ड। तो ये पर्सन जिस तेज़ी के साथ आपकी ज़िंदगी से गए थे उसी तेज़ी के साथ, उसी रफ्तार के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस पर्सन को ना जब आपके साथ होते हैं ये पर्सन तो कदर नहीं होती, आपसे दूर जाकर आपकी कदर समझ में आती है, आपका प्यार समझ में आता है। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।